नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है संडे का दिन और जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन हम कुछ स्टफ पराठे बनाते हैं, लाइक गोभी के, आलू के, मूली के, किसी भी चीज के। और आज काफी ठंडा वेदर हो रहा है, मींस धूप अच्छी निकली हुई है पर वेदर बहुत ठंडा है और हवा चल रही है। तो हमने सोचा क्यों ना आज अपने चूल्हे के ऊपर कुकिंग करते हैं। तो हम लोगों का ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, तो हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो बस देखते हैं क्या रहता है। बस अभी बज चुके हैं, 10 बज गए हैं और निर्भय के डैड बाहर धूप में थोड़ी धूप सेक रहे हैं क्योंकि ठंड ज्यादा हो रही है। और निर्भय अपनी क्लास में गया हुआ है। बस जो भी हम प्रेपरेशन करेंगे हमारे स्टाइल में, आलू के पराठे, चटनी, जो भी बनाने वाले वो सब आपको दिखाएंगे। और चूल्हे की कुकिंग तो ऑब्वियसली आप एंजॉय करने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा बोत्सवाना की यहाँ की लाइफ स्टाइल। यहाँ पर अभी धूप सेक रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है पर ठंडी बहुत हो रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारी प्रेपरेशंस जो कि आलू के परांठे के लिए करने वाले हैं। चटनी भी हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से हम अपने वे में बना रहे हैं। और उसके बाद चूल्हे तो दिखाएंगे पूरा स्क्रैच से किस तरीके से जलाएंगे, इस पर बनाएंगे। हमारा भी पहला एक्सपीरियंस ये है, तो लेट्स सी कैसा रहता है। अगर अच्छा रहता हम फिर और उसमें कुकिंग करेंगे। तो यहाँ पर आलू का पराठा बनाने के लिए हमने बॉइल्ड आलू को देखिए मैश कर लिया है और इसमें बस हम वन बाय वन सारी चीज़ें अपनी डालेंगे। पहले तो अपना धनिया डालेंगे जो हमने बारीक काटा हुआ है और हरी मिर्च डालेंगे और अनियन। वैसे तो मैं रेड अनियन प्रेफर करती हूँ बट रेड अनियन अवेलेबल नहीं था तो ये व्हाइट वाला ही डालते हैं। तो बस ये तीनों चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं और इसमें हम डालेंगे कुछ रेड चिली पाउडर हमारा, और डिपेंड कि आपकी ग्रीन चिली कितनी तीखी है उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा गरम मसाला भी डाल देंगे इसमें और बाकी तो हमारा नमक जितना टेस्ट के अनुसार हम डाल सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली अजवाइन भी डालें, अच्छा है। और इस मेरे पास अमचूर पाउडर नहीं था, नहीं तो उसको भी डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता। लाइक हाफ अ टी स्पून डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा। और मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती हूँ, कसूरी मेथी, तो वो डालती हूँ। इनको जो है ना अभी मिक्स करके नहीं रखेंगे, अभी मिक्स कर दिया और बनाने में टाइम होना तो फिर वो नमक जो है पानी लूज करता है, तो इसलिए बाद में ही इसे मिक्स करेंगे, इसे रख देते हैं साइड। और हाँ, एक और चीज़ की, आप एकदम जैसे आलू बॉईल करते हैं तो थोड़े कई बार ज़्यादा और गीले हो जाते हैं, तो वो गीले गीले आलू से आपके पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे और फट जाएंगे। और दूसरी चीज़, जब आप आटा बनाते हो तो आटे को गूंद करना रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। अगर इमिजिएटली आप यूज़ कर लोगे ना तो तब भी क्रैक्स आ जाएंगे आपके पराठे में। तो ये एक दो चीज़ें हैं और इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बढ़िया आप आलू के पराठे बने। मतलब ये उनके लिए है जिनको बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है या कई बार नहीं बन पाते हैं। अदरवाइज तो आलू के पराठे, मक्खन, चटनी, अचार, चाय किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली विंटर्स में। और यहाँ पर हमारा आटा भी जो है रेडी हो चुका है। मेरे कसूरी मेथी वाले हाथ है ना, वो लग गए। आटा एकदम फ्रेश नहीं गूंदना होता है, थोड़ा 15-20 मिनट गूंद कर रख दें तभी अच्छा बनेगा, नहीं तो आपके पराठे टूट सकते हैं। और यहाँ हम बना रहे हैं धनिया पुदीना की चटनी। तो हमने धनिया ले लिया है, पुदीना ले लिया है, कुछ लीव्स और इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे। और एक और चीज़ में जो डालती हूँ वो दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने डाला है, एक टमाटर डाल दिया है, हरी मिर्च तो आपको बता ही दिया था, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर दही डाल दिया, दही का बहुत अच्छा टेक्सचर फ्लेवर आता है। बस इनको ग्राइंड कर देंगे, मैं बाकी जो नमक मसाला होता है वो बाद में ऐड करती हूँ। और ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है। बस इसमें हम थोड़ा नींबू का रस मिलाएंगे, नमक, मिर्च और भुना जीरा। मिर्च नहीं मिलाएंगे क्योंकि मिर्च ऑलरेडी हमारी तीखी है काफ़ी, बस नमक और भुना जीरा ऐड करेंगे। तो बस नींबू का रस हमने इसमें डाल लिया, तो अब इसमें डाल लेते हैं हमारा नमक, भुना जीरा और या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। वैसे तो हमारी चटनी रेडी हो गई है, इन केस आपको लगे कि बहुत तीखी बन गई है तो 1 चम्मच चीनी का भी डाल सकते हैं, चीनी या शक्कर जो भी डालना है, उससे एक्चुअली टेस्ट भी एनहांस होता है। तो बस हमारी यहाँ पर जो है ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई है, हमने घर पर ये मक्खन भी बनाया हुआ है वाइट बटर, तो वो भी हमारा तैयार है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी है, बस अभी चूल्हे की तैयारी करते हैं क्योंकि जब सारा रेडी हो उसके बाद उसे जलाएंगे, नहीं तो क्या ना आग जलती रहे और फिर सारी चीज़ें हम बाद में प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर वो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्लास से भी कर्टन टाइप लगा लिया और इधर भी, क्योंकि पूरा ओपन एरिया है ना। और यहाँ पे हमारा चूल्हा है और ये हम लकड़ी लेकर आए, यहाँ पर ऐसी लकड़ी नहीं मिलती क्योंकि यहाँ ब्राई वगैरह होती है। तो अभी सारा डिपार्टमेंट इनका है, ये थोड़ा लगा कर चलो मिल बांट के करेंगे। तो ये है फायर लाइटर, यहाँ पर हमारा रख दिया है लकड़ी वकड़ी सब। ये फायर लाइटर है,
मतलब इससे जल्दी जल जाएगा, जलता रहता है माचिस का काम, जैसे जोत में हम कपूर डालते हैं वैसे। फाइनली हमारी जो है चूल्हा की फर्स्ट आग जल गई है, तो इसमें पहले हम मीठा बनाएंगे, कुछ लाइक चीनी का पराठा या शक्कर का पराठा बना लेते हैं। तो फाइनली हमारी जो है चूल्हा की आग जल चुकी है, तो अभी हम सारा सामान बाहर लेकर चलते हैं। पहला रोटी हम चीनी का पराठा बना रहे हैं, तो चीनी का पराठा इसलिए क्योंकि पहला जब इसके ऊपर चूल्हा स्टार्ट करते हैं तो कुछ मीठा बनाया जाता है ना, तो ये चीनी का पराठा हम बना रहे हैं। तो फिर ये पहला चूल्हे को खिलाया भी जाता है, मतलब आग को खिलाया जाता है ऐसा मुझे बताया गया था। तो दूसरा पहला रोटी हमने मीठा बनाया, मीठी रोटी क्योंकि मीठा भोग लगाया जाता है। और दूसरा बना रहे हैं हम कान्हा जी के लिए, तो छोटा सा पराठा बनाया उनको भोग लगाने के लिए, फिर हम अपना बनाना शुरू हैं। फिलहाल चाय मेरे के डाइट अंदर बना रहे हैं, तो बस पर हमें मज़ा आ रहा है बनाने में इसे, क्योंकि ठंडी का दिन है ना, तो बिल्कुल इसके अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा जो है हमने जो मीठा पराठा बनाया वो अग्निदेव जी को यहाँ पर ऑफर किया जाता है, हम पहले उनको भी चढ़ा देते हैं। और इधर ही हमारा कान्हा जी का परांठा रेडी हो रहा है अभी। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong। तो ये परांठा आ रहा है निर्भय के लिए, तीसरा परांठा निर्भय के लिए। निर्भय आप चटनी खाएंगे, बटर नहीं, खाली प्लेन परांठा? यस ओके। तो ये देखिए कितने अलग ही इसका टेक्सचर बन रहा है इसके ऊपर, कैसे क्रिस्प हो गए एकदम, और स्मोकी फ्लेवर अलग आता है। तो डायरेक्ट फ्रॉम द पैन। तो बस एक प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये फायर लाइटर्स नहीं डालें तो फ्लेम कम हो रहा है, बस ये भी डालते जा रहे हैं तो हो रहा है, अब इसका रीज़न नहीं पता है। निर्भय कैसा लग रहा है परांठा? अच्छा लग रहा है। तो बस इसको बस यही काम करना पड़ेगा, डालते रहना पड़ेगा। अब उसका कारण पता नहीं क्या है, लकड़ी नहीं जल रही अच्छे से या क्या हो रहा है, बट वैसे बन रहा है। आ जाओ तुम भी बैठ जाओ। Hey, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you तो आप सब लोग आज चूल्हे की रोटी खा के शिल्पा के हाथ से मज़ा आ गया, आज एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बट हमने सोचा है कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ तो अच्छा बनेगा, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा बन रहा है। और यहाँ पर हाँ, अफ्रीका में चूल्हा, हमने तो इंडिया में चूल्हा नहीं कभी जलाया, बट अच्छा लगा। एंड ईजी नहीं होता है कि पता नहीं कैसे, बट हेड्स ऑफ टू देम जो कि गर्मी में भी चूल्हे के आगे रोटी बनाया करते थे या बनाते हैं, पर हमें भी अच्छा लगा। और फ्लेवर अभी मैंने खाया नहीं है, इन्होंने खाया तो उनको अच्छा लगा है काफ़ी। नहीं यार, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट ये है कि आपको भी ट्राई करना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए और बताना कि कैसा रहेगा, सॉरी, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या क्या और अच्छा लगता है चूल्हे पे बनाना। So हम वो भी ट्राई करेंगे बिल्कुल। और निर्भय को भी अच्छा लगा खाकर, ऐसे बाहर बैठे हैं ना तो बिल्कुल पिकनिक जैसा लग रहा है, छुट्टी वाला दिन, संडे का दिन है और बाहर बैठे हैं, पूरा चूल्हा वूल्हा। बस अभी हमारे परांठे वगैरह सब कुछ बन गया है, इसमें थोड़ी फ्लेम रहती है तो देखते हैं क्या करते हैं, फ्लेम का पानी डालकर बुझाना ही पड़ेगा। ये हेल्प कर दो यार अंदर रखवाने में, सारी चीज़ें बाहर आ गई थी किचन सारी ऑलमोस्ट। निर्भय इज हेल्पिंग, सारी जो डिशेज है उनको अंदर लेकर जा रहे हैं। अभी मैंने मेरी प्लेट बना रही है, देखिए पराठे कितने अमेजिंग लग रहे हैं, चटनी मक्खन के साथ, अचार भी ले सकते हैं पर हम ऐसे ही खाएंगे। और चाय अभी आ रही है। तो ये देखिए एक लेट कर और एक खेल है फुल एनर्जी के साथ, आलू के पराठों का कमाल। क्या कहते हैं इस गेम को? पिंग पोंग। पिंग पोंग, ये देखो बॉल हवा में ही उड़ती रहती है, उछलती रहती है, किसी को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पेड़ देखिए अभी पूरा पीला पड़ चुका है, कितना अच्छा लग रहा है पीला पड़ते हुए, बाकी सारे हरे हरे हैं और सारे पत्ते झड़ जाएंगे और फिर गर्मी आने वाली होगी ना तो पूरा ग्रीन हो जाएगा। मैं मेरा काम लेकर भी इधर ही बैठ गई हूँ, यहाँ से हिलने का मन ही नहीं कर रहा है, अच्छा लग रहा है आज तो। ये
देखिए आलू के पराठों का असर खा के, और अभी बिल्कुल नींद आ रही है और सूरज एकदम सामने और अच्छा लग रहा है। Yes, है ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नहीं तो भागते ही रहते हैं इधर उधर संडे को। Yes, चूल्हे की वजह से हम धूप का एंजॉय कर रहे हैं। अब व्हाट इज वेडनेसडे इन मंगलवार? वेडनेसडे होता है बुधवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यस, शिवा, शनिवार, रविवार। संडे को कहते हैं रविवार। तो आज क्या डे है? रविवार। वेरी गुड। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, एंड देन शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, रविवार। वेरी गुड। तो निर्भय से भी पूछ लेते हैं, निर्भय को कैसा लगा आज? अच्छा लगा। हाँ जी। तो ये थी हमारी जो चूल्हे की कुकिंग थी उसका एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगा हो देखने में। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, अगर आपने अभी तक चूल्हे पे नहीं बनाया तो ये एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा। विलेज लाइफ को इंजॉय कीजिएगा कभी घर पर बच्चों के साथ, उनको भी अच्छा लगेगा। हमें भी बहुत मजा आया, लाइक इसी बहाने हम लोग घर पर आराम से विंटर की जो धूप में बाहर एक साथ बैठकर खाना खा रहे, वैसे तो एक साथ खाते ही हैं बट बिल्कुल जैसे चूल्हा बिल्कुल बगल में है और हम डायरेक्ट हमारी प्लेट पे आप पराठा आ रहा है, खा रहे हैं, वो सब इंजॉय कर रहे हैं देखो, और इधर धूप को भी इंजॉय कर रहे हैं, निर्भय भी अंदर ही है, तो अच्छा लगा काफ़ी। एंड तो बस यहीं पर हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।